हे गाइस व्हाट्सएप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आज के जो हमारे वीडियो इसके अंदर मैं आपको इस तरीके की कमाल की फोटो एडिटिंग बताने वाला हूँ कि ये मैंने इंस्टाग्राम पे ऊपर अपलोड करी थी। सो मैंने सोचा यार इसके ऊपर एक ट्यूटोरियल बनाया जाए एंड सो आपके पास ये ट्यूटोरियल आ चुका है। सो अब आपको आराम से बैठ जाना है एंड इसको वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहना है। सो इस वीडियो के अंदर काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग बताने वाला हूँ। सो वीडियो को एक मेक श्योर करना है कि एक एक स्टेप आपको ज़रूर से देखना है एंड एकदम लास्ट तक देखना, कोई सा भी स्टेप मिस मत करना, ठीक है। एंड जितने भी PNG एंड बैकग्राउंड यूज़ करूँगा सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। कोई सी भी दिक्कत मत लेना एंड अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो गाइस सबसे पहले मैंने PicsArt के अंदर ये वाला बैकग्राउंड ऐड कर लिया है। सो इस बैकग्राउंड की एडिटिंग मैंने कर रखी थी पहले से ही, सो मैंने इसको डायरेक्ट अपना ओपन कर लिया क्योंकि बैकग्राउंड कुछ इस तरीके का था जिसको मैंने पहले इसको फिर एडिट करा, ठीक है। सो हम ले चलते हैं इसे ड्रॉटूल के अंदर। ड्रॉटूल में आपको पता ही होता है ऐड फोटो पे जाके फोटो पे जाके आपको अपनी फोटो को सिलेक्ट करना है, बट मैं नहीं जाऊँगा, मैं फोटो लेयर पे जाके अपनी फोटो को ऐड करूँगा ताकि ये ऑटो एडजस्ट हो जाए, बट ये आपकी ऑटो एडजस्ट नहीं होगी क्योंकि ये मेरी बैकग्राउंड के हिसाब से सेव है, ठीक है। आपको तो ऐड फोटो में जाके फोटो को ऐड करना है। अब इसकी शेडो बना लेंगे इसकी लेयर पे जाके, ठीक है। एंड साइज सेलेक्ट कर लेंगे पेंसिल का, जितना मैं कर रहा हूँ आपको उतना कर लेना है एंड अपने शू के नीचे से इसमें शेडो क्रिएट कर लेनी है। वैसे मैंने इसकी एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, शेडो आप एक बढ़िया तरीके से कैसे क्रिएट कर सकते हो, उसको चेकआउट कर लेना। एंड बाकी ये देखिए काफ़ी हमारी मस्त यहाँ पर टोन बन चुकी है, इसको मर्ज कर लेंगे नीचे वाली लेयर के साथ, ठीक है। शेडो को वर्क हो चुका है, इसको भी हम क्या करेंगे अब इसकी एक कॉपी बनाएंगे एंड एक इम्पिटर लेयर बनाएंगे एंड अब क्या करेंगे एक ब्लैक मतलब शेप पर जाएंगे, स्क्वायर चूज़ करेंगे, इसको फिल कर देंगे, ओके करेंगे एंड जितनी बॉडी है ना हमारी इसके ऊपर इसे कवर कर देंगे, इस तरीके से कवर हो जाए, देख लो। एंड जिस लेयर पे हमने इसे ड्रॉ करा ना, ये देखो ऊपर वाली लेयर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली लेयर से इसको मर्ज करेंगे, बैकग्राउंड की लेयर बंद करेंगे, इस इमेज को हमें सेव कर लेना है मतलब इस PNG को। अब इससे क्या होगा, इसको हम बाद में ऐड करेंगे एंड अपनी बॉडी के अंदर की साइड हम इसमें शेडो क्रिएट कर सकते हैं। हमने बाहर की तरफ तो कर ली लेकिन अंदर की तरफ नहीं कर सकते क्योंकि वो बेकार लगेगी। अब इस तरीके से एक और क्रिएट करूँगा मैं इसे जल्दी से एंड अपनी कलर टोन दे दूँगा इसको बैकग्राउंड के हिसाब से। वैसे मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी, उसको चेकआउट कर लेना आप चैनल पर, ठीक है। सो अब बाकी इसका काम खत्म हो चुका है, इसको मर्ज कर लेते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसको थोड़ा सा वीडियो को पीछे जाके देख लेना मैंने क्या बताया आराम से, ठीक है। एंड अब मैं क्या करूँगा इसी PNG जो ब्लैक वाला PNG सेव करता है इसको ऐड कर लेंगे, इरेजर टूल पे जाऊँगा एंड इरेज कर दूंगा सब कुछ। एंड अब देखना यहाँ पे कमाल क्या होने वाला है, हार्डनेस में कम कर दूंगा, ओपेसिटी कम कर दूंगा एंड साइज इतना रख लूंगा अपने हिसाब से। एंड अब देखिए इस तरीके से ड्रॉ करूंगा मैं, तो यहाँ पे मेरे शू के अंदर अंदर मेरी शेडो क्रिएट हो रही है। सो इस चीज़ से ये फ़ायदा होता है, अब आपको समझ में आ चुका हो कि मैंने वो क्रिएट क्यों करी। अब जो दूसरी कलर टोन क्रिएट करी थी जो कि बैकग्राउंड में आ रही है उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। एंड इसके बाद हमें इसकी ओपेसिटी आपको कम कर लेनी होगी, जितनी मैं कर रहा हूँ उतनी कर लेना, ज़्यादा मत करना, ठीक है। अब इसको भी हम थोड़ा थोड़ा इरेज कर लेंगे शू के नीचे से क्योंकि ऊपर से तो बिल्कुल मैच है क्योंकि वो बैकग्राउंड से मैच हो चुकी है। सो कुछ लोग कहते हैं यार बैकग्राउंड से मैच कैसे करते हो, तो इसी तरीके से बैकग्राउंड से मैच करते हैं। एंड इसके बाद मैंने ये अपना मॉन्स्टर का PNG लगा दिया, पता नहीं क्या ये ही बना हुआ, ठीक है। जो भी है आपको सिंपल इसको लगा लेना फुल सेट करके एंड इसका भी लाइट वगैरह क्रिएट कर लेना जैसे कि मैंने अपनी बॉडी के ऊपर क्रिएट करी। इसको मैं नहीं बता रहा मैंने यार, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन जाएगी क्योंकि यार एडिटिंग में बहुत सारे आवर्स लगे हैं मुझे, तो इतनी आसानी से तो होने वाली नहीं है। सो आपको हर एक चीज़ क्रिएट करनी है एंड हेयर पर रिम डालनी है, उसकी भी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसको भी आप देख लेना चेकआउट कर लेना, ठीक है। एंड उसके बाद हम बात करते हैं इसमें बैकग्राउंड की एडिटिंग के लिए मैंने ये जो फ्लेयर्स थे इनको यूज़ करा था, ब्लेंडिंग मोड में स्क्रीन कर दूंगा या फिर ऐड कर देते हैं, ऐड करके और अच्छा लगेगा। एंड इसके बाद इसको इस तरीके से सेट कर लेंगे, सेट करने का आपको इरेजर टूल पे जाना है, जैसे एक्स्ट्रा पार्ट है ना सिंपल हार्डनेस वगैरह कम करके इसको इरेज कर देना है। सो यहाँ से मैं इसको जल्दी से कम्प्लीट कर लेता हूँ एंड इसका डुप्लीकेट कर लेंगे एंड ऊपर की साइड इसे सेट कर देंगे ताकि यार फ्लेम्स वहाँ से भी आ रही हैं, मतलब उनकी चिंगारियाँ आ रही हैं। एंड सेट करने के बाद आपको इरेजर टूल पे जाना है, वही चीज़ आपको करनी है, मतलब इरेज कर देना है इसका अनवांटेड पार्ट, उसके बाद इसे डन कर देंगे। एंड फ्लेम्स तो लग चुके हैं इनकी एंड अब इसमें शाइनिंग PNG डालते हैं जिसके लिए हम इसका यूज़ करेंगे। ब्लेंडिंग मोड आपको ऐड या स्क्रीन जो मर्जी हो वो कर सकते हो अपने हिसाब से। सो यहाँ से मैं इसको ऐड ही करूँगा, ओपेसिटी हल्की कर देना ताकि ज़्यादा चमके नहीं है एंड इस तरीके से दोनों जगह इसे सेट कर लेना, ठीक है। सो इसे डन कर देते हैं, ये चीज़ भी हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे पूरी तरीके से। अब देखिए फोटो एडिटिंग यहाँ पे लगभग कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। एंड अब मैं क्या करूँगा, एक मैंने यहाँ पे स्मोक का PNG यूज़ करा था, सो उसके लिए मैं इस वाले को यूज़ करूँगा। ब्लेंडिंग मोड आपको क्या करना है, स्क्रीन कर देना है, इसको ऐड नहीं करना है।
एंड इसको मैं इन्वर्ट कर लूँगा इस तरीके से, फ्लिप पे जाऊँगा, ये वाला चूज़ कर लूँगा एंड इसको हल्का सा लगाया था मैंने इस तरीके से जूम करके, आपको भी ऐसे करके यूज़ कर लेना है। एंड ये जो नीचे लाइट आ रही है इसको क्रिएट करते हैं सबसे पहले, ये कहाँ से आ रही है लाइट। सो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, डार्क शेडोज ही क्रिएट करूँगा इस तरीके से एंड इसको नीचे की तरफ इसे एडजस्ट कर लूँगा। सो यहाँ पे देखिए इसे मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, एक बार थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेता हूँ एंड ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक मिनट इनको मर्ज कर लूँगा, इसके बाद बनाऊँगा इम्पिट लेयर जिस पे इस लाइट की मैं शेडो क्रिएट करूँगा ऊपर, ताकि पता तो चले यार ये कहाँ से आ रही, मतलब फिजूल का कोई कहेगा कहाँ से आ रही पता नहीं चल रहा। सो इसको मैं मर्ज कर दूँगा, मतलब मर्ज करने से पहले इसे ऐड कर लूँगा एंड इस तरीके से इसे लगा दूँगा। सो इसके ऊपर से कम कर देंगे ताकि ओवर नहीं लगे ये काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। सो अब देखिए ऊपर से लाइट आ रही है, नीचे पड़ रही है, अब सही लग रहा है ना पहले से। सो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका आपको ध्यान करना है कि कहाँ से लाइट आ रही है, कहाँ पे जा रही है, उनको क्रिएट करो जहाँ से आपकी नहीं पता चल कि कैसे आ रही है। एंड इसके अंदर ये पार्टिकल की पीएनजी की यूज़ करूँगा, ब्लेंडिंग मोड आपको वही एड या स्क्रीन जो भी करना चाहो कर लेना। एंड ये पार्टिकल की पीएनजी आपको स्मोक से पहले लगाने ध्यान रखना, वरना यार थोड़े ओवर से लग रहे हैं, बट कोई नहीं, हम इसको इरेजर टूल पर जाके इसको सिंपल इरेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट उससे पहले लगाओगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो इसको मैं यहाँ से एडजस्ट कर लेता हूँ एंड इसको डन कर लेते हैं हम यहाँ से। सो ये चीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी है पूरी। एंड इसका डॉजन बट डालना चाहो डॉजन बट डाल सकते हो। एंड और बात करते हैं इसकी टोन की, सो टोन मैंने लाइटरूम में जो दी है मैं आपको प्रीसेट दे दूँगा, उसको बताऊँगा कैसे करना है। एंड बाकी आप तो यार खुद भी एडिटिंग कर सकते हो, आप चाहो तो वीडियो छोड़ सकते हो, बट आपको मेरी टोन चाहिए जो मैंने डाली थी, उसके लिए आपको लाइटरूम में आना है। लाइटरूम में आने के बाद मैंने जस्ट सिंपली एक इसका प्रीसेट बनाया इसकी एडिटिंग का, जो कि आई मैंने जस्ट नाम दिया प्रीसेट बाय आरवी एडिट्स। सो इस प्रीसेट की एडिटिंग कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी सेटिंग में जाएंगे, 3 डॉट पर जाकर कॉपी सेटिंग करेंगे इसकी कॉपी, इसको टिक कर देंगे एंड देन उसके बाद अपनी नॉर्मल वाली फोटो पे जाएंगे जो हमने पिक्सार्ट में सेव कर लेना, उस वाली फोटो की बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल वाली फोटो ये वाली, ठीक है। एंड जस्ट सिंपल आपको पेज सेटिंग कर देनी है। सो जो एडिटिंग थी वो यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। एंड इसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा लेना क्योंकि रियल वाली फोटो में थोड़ा सा बढ़ा हुआ था, कॉन्ट्रास्ट भी बढ़ा लेंगे। उसके बाद सिलेक्टेड टूल में जाएंगे, कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पर वो देख लेना, मतलब देखते रहो मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, मतलब जल्दी जल्दी वीडियो है, ठीक है। सबसे पहले हम इसका एक्सपोजर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इसको स्लो करके देख लेना चाहो तो। इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देंगे, एक सर्कल वगैरह मार के नीचे से एक ग्रेडियंट मार देंगे जिसका ब्लैक कम करना होता है आपको, तो ये नॉर्मल चीज़ है ये तो पता ही होगा। एंड एक बड़ा सर्कल मारेंगे, इसको इन्वर्ट करेंगे ताकि ब्लैक ब्लैक हो जाए साइड से, एक्सपोजर कम कर देंगे, क्लियरिटी इसकी बढ़ा देंगे, काफ़ी मस्त लग रहा है क्लियरिटी बढ़ा के। सो यहाँ तक देखिए काफ़ी हमारी बॉम्ब फोटो बन चुकी है, जैसे कि बिफोर आफ्टर काफ़ी अच्छी लग रही है हमारी फोटो। यहाँ पे आप चाहो तो ये टोन डाल सकते हो, मैं प्रीसेट लाइटरूम के पीएनजी मतलब जो भी कुछ है ना सब कुछ मैं लाइटरूम मतलब सब चीज़ों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। एंड एक चीज़ रह गई यार, मैंने मॉइस्चर के अंदर लाल लाइट एंड इसके पंख पे जो था वो मतलब बिजली कड़कती वो डालना भूल गया हूँ। सो उसको भी दे दूँगा यार, लगा लेना आप अपने आप, ठीक है। एंड ये थी हमारी नॉन वाली फोटो, ये जो थी, ठीक है, जो मैंने एडिट करी थी मेन, ठीक है। सो इसको भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो डाउनलोड का तो देख लेना अपने आप एंड इसको एडजस्ट कर लेना, एडजस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आने रही, ठीक है। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी एंड पसंद आई तो चैनल पर जरूर उसे सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एक लाइक कर देना एंड इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Yo, that's the kind of state of mind you gotta combine with hard work and time. You gotta climb to the top. Don't let yourself drop till your heart stops. Let this beat rock. Got a new clock and a new stock for this new rock. Just let your mind loose from the new stock. Drunk off the goose, yeah. Thinking that I'm too pop. Yeah. Getting caught with a few thoughts. Cause I'm too lost.